और फरुखाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद गांव की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई है। कारण, यहां कोरोना का संक्रमण अधिक है। शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां लोग जुकाम, बुखार और खांसी के लक्षण ना हो। गांव में झोला छाप से इलाज को लेकर यहाँ के लोग घरों में ही पड़े हैं और गाँव में बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कोई जांच करवाने को तैयार नहीं है। गांव के लोग जांच कराने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से गाली गलौज करते हैं। यहाँ लगभग 19 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसमें 2 लोग डेड हो चुकी है। 17 लोग डीएम साहब ने दवाई बांटी थी तो उससे रिकवर हो चुके हैं, और लगभग 60 से 70 लोगों को इन लोगों के पास लिस्ट है, तो उसमें 60 से 70 लोगों को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, ऐसी स्थिति है। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 19 से 20 है और बीमारों की संख्या यही लगभग है 60 से 70 लोग, इनको खांसी जुकाम वगैरह है, बुखार है, किसी को ये सब प्रॉब्लम है, उनके टेस्ट के लिए वो है, लेकिन वो करवाते नहीं है। उनसे जब कहा भी जाता है तो वो करवाते नहीं, उनके अंदर डर है इस बात का जैसे कोरोना ना निकले। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 2 लोगों की डेथ हुई है। हाँ, मम्मी हमारी माता जी की डेथ हुई। अभी कोई गांव सीरियस मरीज कोई गया है? हाँ, 2 लोग सीरियस हैं इस समय। अभी एक लड़का इधर से है, वो गया हुआ है, एक लोग और इधर थी। ऐसा 60-70 तक लंच में जुकाम बुखार वाले हैं और 19 तक तो थे कोविड वाले, 2 की डेथ हो गई और 18 रह गए।